आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं प्लस एंड माइनस दोनों का एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, जिससे आप लोगों को क्या होगा, अपॉन वाला प्लस और माइनस में। तो आज उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपॉन वाला क्या करें, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलता हूँ, क्या है मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या है 3/5 × हम लोग को 4/2 समथिंग ऐसा कुछ नंबर हम लोग को दे देता है, और इसका क्या बोलता है, हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्लस था, माइनस था, ऐसा सब था। तो अभी ये हम लोग को इसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन एकदम सिंपल सा होता है, हम लोग क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लीकेशन में इंटू होता है, 3 × 4 में इंटू कर दोगे कितना होगा, तो डायरेक्ट अगर लिखना है तो इसे लिख सकते हो 5 × 2 क्या हो जाएगा, 3×4 कितना होता है 12, 5×2 जो कितना होता है 10। हम लोग का मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल और आपको लेता हूँ, 2/4 × 3/6 ऐसा दे दिया। अब इसको किस हिसाब से करेंगे, तो देखो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं बोला मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते, मीन्स 2 × 3/4 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2×3 जा कितना होता है 6 एंड 4×6 जा कितना होता है 24। ये हम लोग का हो गया। अभी देखो हम लोग को ये क्या देगा, नॉर्मल में मल्टीप्लीकेशन देगा, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग को उसका डिनोमिनेटर जो होता है सेम है कि नहीं सेम है, इसमें कोई नहीं होता कि इसका बेस हम लोग को सेम करना पड़ेगा उसके बाद कुछ नहीं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सामने सामने होता है। बट मल्टीप्लीकेशन में एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग को कभी 3/5 × 2/3/6 ऐसा दे सकता है। अब इसको देखो मैं आपको इसके लिए बताया फर्स्ट एंड सेकेंड और हम लोग का क्या है थर्ड, ये मैं आपको किसके लिए बताया, क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग को मल्टीप्लीकेशन में सामने कोई नंबर ना देकर कुछ दिया एंड कुछ दिया और ये दोनों को हम लोग को सामने मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं सामने सामने कर देंगे। और ऐसे हम लोग को दो एग्जांपल में आपको बताया, अभी हम लोग को क्या है, अगर कुछ ऐसा दिया तो आपको मैं बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब करा रहा था तो दोनों वीडियो में मैं आपको इसको समझाया था, तो एक बार रिटर्न बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 5×3 कितना होता है 15 प्लस जो हमारा ऊपर का होता है 2/ नीचे कितना है 5 प्लस 6×2 कितना होता है 12 सॉरी यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा 6×2 कितना होता है 12 प्लस 3/6 देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, ये बीच में बोलोगे मल्टीप्लीकेशन में प्लस किससे आगे नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है पहले इसका टेबल इसमें पढ़ने का जितना आएगा ऊपर वाला ऐड कर देंगे। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 15 में 2 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 17/5 × 12 में 3 ऐड कर दोगे कितना होगा 15/6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने इंटू कर देंगे, तो 17 × आप 15 में कर दोगे और आपका कितना है 5 × 6 में कर दोगे, तो जो भी आएगा आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अभी ऐसे हम लोग को क्या है, नॉर्मल में आपका क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको अगर ऐसे देगा नॉर्मल में, देखो मैं बताया अगर हम लोग को देगा अपॉन में तो हम लोग कैसा करेंगे, तो नॉर्मल में जो भी है उसको सामने सामने इंटू करना है। तो आपको दो एग्जांपल में लेकर बता दिया, अब हम लोग को क्या करना है, अगर ऐसे दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू मिलेगा और मिलने के बाद सामने सामने इंटू करेंगे। ये वाला इंटू आप लोग अपने से करके लिख लोगे, तो इसे आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन सिंपल सा खत्म होता है। अब इसे मैं आपको क्या बताता हूँ, डिवीजन, डिवीजन भी एकदम सेम इसीलिए सेम इसी प्रकार से होता है, इसके लिए दोनों आज साथ में बता रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ। अभी देखो डिवीजन में क्या होता है, तो डिवीजन में अगर हम लोग को देगा तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ 3/5 / 2/6 ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो डिवीजन में इसको कैसे करेंगे, तो नॉर्मल सा सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या होगा, इसको अभी नीचे बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला इसे ही रहने देने का, डिवाइड की जगह क्या करते हैं इनटू, और इसको क्या होता है इंटरचेंज, मतलब ए ऊपर से नीचे चेंज हो जाता है, इनवर्स में क्या होता है चेंज, मीन 6 ऊपर हो जाता है नीचे 2। डिवाइड कभी भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला वही लिखते हैं डिवाइड की जगह इनटू, और ये वैल्यू हम लोग का ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देंगे। अब हम लोग का मल्टीप्लीकेशन आता है आपको, 3 × क्या करोगे 6 में, 5 × किस में करोगे 2, तो कितना हो जाएगा 3×6 कितना होता है 18 और 5×2 कितना होता है 10। एक क्वेश्चन एकदम नॉर्मल कंप्लीट होगा। ऐसे मैं आपको अभी एक दूसरा और लेकर बताता हूँ, क्या कर सकते हैं हम लोग, 2/4 / 3/6 ये हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो नॉर्मल सब फर्स्ट वाला आप क्या करोगे, ऐसे उतार दोगे
उतार दे इस डिवाइड की जगह इनटू और इसको चेंज हो गया और इनटू करने आता है हम लोग क्या करेंगे सामने सामने मीन्स टू का इनटू किस में कर दोगे सिक्स में और अपना फोर इनटू कितने कर देंगे थ्री कितना आ जाएगा टू सिक्स का कितना आता है ट्वेल्व फोर थ्री का कितना आता है ट्वेल्व अब अगर आप कैंसल आउट करोगे तो इसका वैल्यू फाइंड हो जाता है वन तो हम लोग का नॉर्मल सा क्या होता है कि हाँ तो अभी ऐसा हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं अभी जिस हिसाब से लास्ट वाला मैं बताया था आपको कि क्या होता है कि देखो अभी क्या देखा अगर थ्री अपॉन टू फोर दे दिया और डिवाइड बाय हम लोग को क्या दे दिया टू अपॉन थ्री अपॉन सिक्स ऐसा दे दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो देखो दो जैसे किए सेम टू सेम बट हम लोग को सबसे पहले इसको सॉल्व करके आना चाहिए सॉल्व करने इस वैल्यू को तो फोर थ्री जा कितना होता है ट्वेल्व प्लस टू अपॉन कितना फोर डिवाइड है तो डिवाइड और उसके बाद हम लोग का सिक्स टू जा कितना होता है ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन सिक्स इतना कर दिए अब हम लोग क्या करेंगे देखो ट्वेल्व में टू ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14 अपॉन फोर डिवाइड बाय 12 में 3 ऐड करोगे कितना होगा 15 अपॉन 6 इतना होगा अब हम लोग का देखोगे तो डिवाइड मिल गया जैसे इस हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग को वहां तक क्वेश्चन हम लोग ला दिए डिवाइड में और मल्टीप्लीकेशन में आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ बेस सेम करने की जरूरत नहीं बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं बेस सेम कर देते हैं तो उससे क्वेश्चन क्या होता है लंबा हो जाता है और मिस्टेक हम लोग को करने का तरीका ही करना ही नहीं हम लोग को तो आप किस लिए करोगे नॉर्मल से ऐसा कर दोगे अगर आपका डिवाइड है यहाँ तक आया तो बेस सेम करने की जरूरत नहीं तो क्या करोगे फर्स्ट वाला इसे लिखोगे और डिवाइड की जगह इनटू और ये चेंज हो जाएगा मीन सिक्स अपॉन फिफ्टीन तो आपका क्या हो जाएगा तो 14 इंटू सिक्स अपॉन फोर इंटू 15 अब इसके बाद जो भी आएगा इनटू करके आप लिखोगे तो आपका जो भी रहेगा समथिंग कुछ नीचे एंड कुछ ऊपर वैल्यू आ जाएगा तो आपका क्या था ये देखो मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर समझना है डिवीजन भी आपको क्लियर समझना है मेन आपको क्या था इसमें समझना तो मल्टीप्लीकेशन में किस लिए मैं डिवीजन बताया दोनों साथ में क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आ गया तो डिवीजन में खाली क्या करना है एक पॉइंट ऊपर से नीचे चेंज करना है वे कर लिए आपका क्या होगा डिवीजन भी कंप्लीट एंड मल्टीप्लीकेशन भी कंप्लीट और इसमें आप देखोगे तो आपको लास्ट में ये भी बताया तीसरे एग्जांपल में क्या बताया कि किस हिसाब से हम लोग इसको अगर आप क्या किए हो अभी तक में हमारा प्लस एंड माइनस वाला वीडियो नहीं देखे हो उसको देख लोगे तो उसको मैं सेपरेट किस हिसाब से सॉल्व करते ऐसा पूरा डिटेल में करके बताया हूं तो आज हम लोग का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम लोग का क्या होता है कंप्लीट होता है इसको कर लीजिए